कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अपनी बुआ यशोधरा राजे सिंधिया और वसुंधरा राजे से मुलाकात हुई थी। इसने सियासी माहौल में एक गर्माहट लाया था। वहीं हाल ही में ग्वालियर में विजया राजे सिंधिया की 100वीं जयंती के मौके पर आयोजित समारोह में सिंधिया राजघराने के सदस्य अरसे बाद एक साथ नजर आए थे। आपको बता दें, अगर वसुंधरा राजे की संपत्ति के बारे में अगर बात की जाए तो राजस्थान विधानसभा चुनाव में नामांकन भरने के साथ ही नेताओं की संपत्ति का खुलासा भी हुआ था। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की संपत्ति में 5 साल में 43.31 लाख रुपए का इजाफा हुआ था। नामांकन के अनुसार 5 साल पहले उनकी कुल संपत्ति 3,66,51,631 रुपए थी, जो अब बढ़कर 4,09,82,689 रुपए हो गई थी। वसुंधरा राजे के पास बताया गया था कि 3,179 ग्राम सोना और 15 किलो चांदी है, जबकि 1,29,830 रुपए नकद है। वहीं आपको बता दें कि जयपुर के इंदिरा गांधी नगर में 3,530 वर्ग फुट का प्लॉट है। वसुंधरा के पास अभी कोई मकान नहीं है, कोई कार नहीं, उनके पास 5 साल पहले खेत की जमीन थी जो अब नहीं। इस तरीके से हलफनामे में नामांकन के अनुसार खबरें आई थी। हालांकि आपको बता दें कि विजयराजे सिंधिया की 100वीं जयंती के मौके पर आयोजित समारोह में सिंधिया राजघराने के सदस्य अरसे बाद एक साथ नजर आए थे। SPN9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।